हेलो एवरीवन, मैं सुन कौशल, वेलकम लिसनिंग अनदर वे। आज के वीडियो हम करने जा रहे हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। तो ये चैप्टर यार वैसे काफ़ी लेंदी है, आई नो, ठीक है, मुझे भी लिखने में काफ़ी जगह लग गई, ठीक है। ऑल दो मैं काफ़ी खुला खुला लिखता हूँ, आज मैंने काफ़ी कंजेस्टेड लिखना पड़ा, बट मैं इसे जूम कर दूंगा आप लोग के लिए, उसकी टेंशन मत लो। तो बट उसको ईजी बनाएंगे और कैसे चीज़ें याद रखनी है उसको मैं बताऊँगा। मैं कोई बुक का यूज़ नहीं करूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा, जितना यहाँ पे लिखा है सिर्फ हेडिंग्स है, इनमें ही तुम्हें मतलब बताऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि सिर्फ ये हेडिंग्स देख के पूरा अंदर का याद कैसे रखना और क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, फिकर नहीं। बस दो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ कि फर्स्टली आई एम वेरी मच स्लीप डिप्राइव्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी कम लगे वीडियो में तो एडजस्ट कर लेना, ऑल्दो आई विल ट्राई, ठीक है, पूरा मस्ती मजाक पूरा तगड़े लेवल पे करना, थोड़ा बहुत आंखों में अगर दिख जाए तो ठीक। सेकेंड चीज़ इज़ के जो मैं पुरानी वीडियोस बनाई अभी हिस्ट्री बेस की, ठीक है, पिछले हफ्ते, तो उसमें उन लोगों ने मुझे कहा कि थोड़ा भैया और डिटेल में एक्सप्लेन करो जैसे पहले करते थे। सो मैं आई वॉन्टेड कि मैं हिस्ट्री को क्रिस्प रखूँ ताकि तुम बोर ना हो, ठीक है, 20-25 मिनट की मैक्सिमम वीडियोज़, बट इफ़ यू वॉन्ट कि मैं लंबा बनूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो आई विल, ठीक है, मेक इट लास्ट लॉन्ग, दैट्स व्हाट शी सेड। एनीवेज, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बर्थ की, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, ये सब्जेक्टिव है, कई लोग इसमें पूरा मानते हैं, हाँ भाई महात्मा गांधी वॉज अ जीनियस, ही वॉज द फ्रीडम फाइटर इंडिया रियली नीडेड एंड ऑल, वो सब चीज़ें ठीक है। कई एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, पर्टिकुलर सोशल सोचने वाली चीज़ है कि दे डू नॉट एग्री विद दिस, दे थिंक के महात्मा गांधी वॉज नॉट वॉट इट सीम्स, वॉट इट सेज इन द बुक, ठीक है, नॉट इंग्लिश, मतलब नॉट ओनली हिस्ट्री की बुक में बट जनरली जो किताबें हैं, जो इतिहास में बोला जाता है, वो वैसे नहीं थे, ऐसा भी लोग हैं मानने वाले। सो आई एम नॉट गोना डिबेट ऑन दैट, जो तुम्हारे सिलेबस में है उसके बारे में बढ़ाने वाला हूँ, दिस इज नॉट माई पर्सनल व्यू, ठीक है, तो ज़्यादा तुम उसकी टेंशन मत लेना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये सब है, महात्मा गांधी की पहले तो बिगनिंग 1869 में ही वॉज बॉर्न, ठीक है, वी ऑल नो पोरबंदर गुजरात में ही वॉज बॉर्न एंड देन वो चले गए वकालत सीखने, मतलब पढ़ने, बेसिकली कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे वकालत सीख के जब 20 थोड़े बहुत पढ़ लिए, ठीक है, तो उसके बाद वो वापस इंडिया नहीं, वो वापस गए, मतलब पढ़ने, जो प्रैक्टिस करने गए लॉयर, एज अ लॉयर साउथ अफ्रीका में, ठीक है, आई डोंट नो तुम्हें वो दिख रहा है कि नहीं, बट इंग्लैंड में सीखने गए, फिर साउथ अफ्रीका में करने, पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुम्हें इतना जानना है। अब साउथ अफ्रीका में उनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई, क्यों, क्योंकि साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो एन यू नो कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम, जैसे इंडिया थी वैसे साउथ अफ्रीका भी थी, ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स थे, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स थे, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स भी इंडिया इंडियंस के साथ, मतलब साउथ अफ्रीकन्स के साथ भी करते होंगे, तभी तुम्हें पता नेल्सन मंडेला एंड ऑल उन सब की कहानियाँ, बट जो इंडियंस के साथ वहाँ पे भी, फिर वही जो इंडिया में यू नो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वहाँ पे भी हुआ, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया एंड वो सब काफ़ी दिक्कतें हुई, तो उससे उनको लगा कि नहीं यार मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस एंड ऑल, ठीक है, एज वॉज द टेक्स्ट बुक सेज। इसमें तीन चीज़ें हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में तो कभी आया नहीं और आई डोंट थिंक आएगा, बट स्टिल आके अब उन्होंने मास जो आम जनता है उनके साथ कनेक्शन कैसे बिठाया। वी ऑल नो कि महात्मा गांधी को पूरी आम जनता जानती थी, ठीक है, एंड उनके कहने पे काम भी करती थी, दैट इज़ द ट्रूथ। तो वो कैसे हुआ, सबसे पहले तीन चीज़ें, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, लोकेशन याद होगी, ठीक है, तीन, ठीक है, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह इंडिगो कल्टिवेटर्स के लिए था, बस इतना समझ रहे हैं तुम्हें, इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ था, बहुत हार्श कंडीशन में काम कराते थे इसलिए उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए ये हुआ, ठीक है जी, ये हुआ 1917 में, 15 में आ गए, उसके बाद एक दो साल थोड़ा ऐसे देखे घूमे इंडिया में, 17 में ये हुआ, उसके बाद 18 में दो हुए, अहमदाबाद और खेड़ा, अहमदाबाद मिल वर्कर्स और जो उनके ओनर्स थे उनके बीच में अनबन हो गई थी, उसकी उसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ थी, और जो खेड़ा था उसमें लैंड पीजेंट्स और टैक्सेस था, मतलब वहाँ पे जो खेत थी वो पूरा मतलब यू नो डिस्ट्रॉय हो गई थी फॉर ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, पानी नहीं आया हुआ या कुछ हुआ होगा तो उगा नहीं बेसिकली, तो उसका वो टैक्स कैसे दें, अगर उन्होंने उगा के बेचा ही नहीं तो टैक्स कैसे दें, पर वो कहते कि ब्रिटिशर्स कहते तो दैट वॉज ऑल्सो सत्याग्रह, कि वो फिर खेड़ा सत्याग्रह किया गया, और उसमें सत्याग्रह तुम्हें पता है ना प्रोटेस्ट करना पीसफुली, तो वो एक चीज़ थी, तो 18 को ये हुआ 1918 में। अब दिस इज नॉट केस, इससे पहले सत्याग्रह कभी हुआ ही नहीं था, पर इतना पॉपुलर आम जनता में नहीं होता था, ठीक है, और तुम्हें भी पता है कि कांग्रेस इससे पहले सिर्फ पढ़े लिखे और वो जनता के लोग ही थे और उनको फॉलो भी सिर्फ पढ़े लिखे लोग करते थे, बट इसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, व्हेन महात्मा गांधी केम इन इंडिया उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में हमने मेनली दो ही जो तुम्हारे वो है मूवमेंट्स है वो पढ़नी, वैसे तो तीन है, ठीक है, बट वो एक नेक्स्ट चैप्टर बना दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सेकेंड इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भैया क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, नॉन कॉपरेट मतलब हमने ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना, तुम्हें पता उस तरीके के हालात कैसे थे, तुमने मूवीज़ देखी हैं, तुमने पढ़ा हुआ है 9th में भी 10th में भी, तो मैं नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, तुम्हें ऑलरेडी वो कंडीशन सब पता है। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, कॉजेज़ देखते हैं भैया, क्या कॉजेज़ देखते हैं।
सबसे पहले तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके क्यों आनी पड़ी, रॉलेट एक्ट। भैया रॉलेट एक्ट क्या चीज़ है भाई? रॉलेट एक्ट वॉज समथिंग के, अब देखो ये कब हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, 1920। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 ऐसे समझोगे ना आसान रहेगा। 1920 भैया ठीक है, हमने अभी आगे पढ़ना है बट हमें थोड़ा बहुत ठीक है कॉन्टेक्स्ट है। ओपनहाइमर वगैरह भी आई थी तो हमें थोड़ा मतलब बहुत, चलो वर्ल्ड वॉर टू था बट स्टिल हमें थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट है कि वर्ल्ड वॉर वन इससे पहले कहीं हुआ था, 1914 1516 1517 ऐसा कुछ ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट ना जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था उसके बीच में आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर रियली एक्टिवली इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर। तो उसमें क्या हुआ कि दे वांटेड कि जो उनकी कॉलोनीज है वहाँ पे कोई विद्रोह ना हो, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है इधर वेस्ट करने को ठीक है, और इधर से कोई प्रोटेस्ट करने लग जाए इनको भी सांभो, उधर से लड़ाइयाँ और वहाँ पर भी सांभो। तो दिस वॉज देयर थिंकिंग पॉइंट। तो उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो उसको बिना कोई बात के मतलब बिना कोई ट्रायल के, ऐसे सुनवाई वगैरह नहीं होगी, सीधा जेल में रखा जा सकता है फॉर सो मच ऑफ द टाइम एज दे डिज़ायर ठीक है। तो ये अब चीज़ थी। अब जब चल रहा था वर्ल्ड वॉर तब ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी मतलब उन्होंने कहा भी था कि गुजरात के लोगों को महात्मा गांधी ने कि यू शुड पार्टिसिपेट इन ऑल इन वर्ल्ड वॉर अगर तुम्हें मतलब स्वराज चाहिए। तो रॉलेट एक्ट ऐसे स्टार्ट हुआ। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब तो इसे बंद कर देना चाहिए ना, अगर उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी थी कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना सब करने में एंड इसलिए हम प्रोटेस्ट नहीं सह सकते, तो रॉलेट एक्ट बंद हो जाना चाहिए तब तक, लेकिन नहीं हुआ, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया ठीक है। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ क्यों एक्सटेंड कर दिया, ये तो अच्छा चल रहा है यार, इंडिया वाले कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, एक्सटेंड कर दिया। तो एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई कि इंडियंस को बिना कुछ किए ही ऐसे जेल में ठीक है, कोई कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं, जस्ट जेल में। तो ये दैट वाज अ बैड थिंग फॉर इंडिया। तो एक सबसे बड़ा कॉज, सबसे पहला कॉज रॉलेट एक्ट। सेकंड कॉज जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही भयानक था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। वी ऑल नो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था बट उसके पीछे की कहानी मे भी हमें ना पता ठीक है। सो मैं तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा ठीक है, सम अप करता हूँ। ऐसे हुआ कि ठीक है कोई दो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया सबसे पहले ठीक है। सबसे पहले तो क्या हुआ, एक ऐसे हुआ कि तुम भीड़ नहीं जमा कर सकते हैं, ऐसे कोई एक्ट पास हुआ ठीक है। अब ये भी इसी 1919 की बात है ठीक है। तो उस जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद दो लोगों को, दो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया बिकॉज उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे ठीक है। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत बड़े ठीक है फेमस लीडर्स पंजाब के। तो अब उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उन्होंने एक मतलब जो जनरल डायर वो सब थे वो लोग आ गए ठीक है, दे पावर में आ गए बेसिकली, मतलब उन्होंने टेक ओवर कर लिया ठीक है। तो जब वो आए उसके बाद क्या हुआ यार, लोग को लगा यार ये तो गलत कर दिया। तो उन्होंने कानून बनाया कि अब क्या कानून बनाया, देखो कानून बनाया कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती कुछ भी पॉलिटिकल डिस्कस करने के लिए, भीड़ ही इकट्ठी नहीं होती, कर्फ्यू होता ना बेसिकली वैसा कुछ ठीक है। तो उन्होंने ये कह दिया, लेकिन इसी चीज़ का अब जो दो लीडर्स अरेस्ट किए थे बिना बात के, उन लोगों को छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करने का पक्का ठाना और हम कहते हैं कि ये लोग ब्रेक करेंगे बेसिकली ये चीज़ हुई। तो जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल हमको पता है 1919। तो अब जब ये इकट्ठे हो गए सब यू नो एंड ऑल दैट थिंग, जनरल डायर आया, एक ही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, जहाँ से अंदर आओ वहाँ से ही बाहर जाने का रास्ता। वहाँ पे पूरे सोल्जर्स आ गए ठीक है, पूरे जो भी ब्रिटिश आर्मी थी वो आ गई गोलियाँ लेके एंड दे स्टार्टेड फायरिंग। अब लोग कहोगे भैया ये तो रूल ब्रेक ही हुआ था, देखो रूल ब्रेक हुआ था तो तुम्हें जेल लेके जाना चाहिए था पहली बात, अगर हम उनके स्टैंड पॉइंट से भी देखें, जो कि चीज़ तुम वैसे तो ये भी सही नहीं था बट स्टिल अगर हम देखें तो ठीक है, या तो फिर उनको वार्निंग दो कि तुम चले जाओ यहाँ से, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द रूल्स, या फिर तुम जेल में लेके जाओ ठीक है, जो भी कुछ था ये जो तुम। फिर उन्होंने क्या किया, सबको फायरिंग शुरू कर दी और बाद में क्या बोला कि 200 बंदे मरे थे, 400 बंदे इंजर हुए, बस तो ये हुआ। लेकिन ऑफिशियल फिगर्स जो कांग्रेस ने देखी, 1000 बंदे 4000 बंदे ऐसे आई ठीक है, 1000 2000 वो डेड एंड 4000-5000 मतलब काफ़ी ऐसी जनता, 4000-5000 मतलब कुछ काफ़ी जनता वो इंजर्ड, काफ़ी लोगों ने गोलियों से बचने के लिए जो वेल्स होते उसमें छलांग मार दी एंड वहाँ पे दे डाइड इन दैट, क्योंकि वापस निकलने का रास्ता नहीं। और अभी भी अब तो काफ़ी मतलब बना दिया ठीक है एज अ पब्लिक प्लेस एंड ऑल, बट उसमें भी अंदर जाकर पता लगता है। सरदार उधम सिंह में भी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया राइट। सो दिस वॉज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़े। अब खिलाफत मूवमेंट क्या चीज़ थी, वर्ल्ड वॉर वन से ही कनेक्टेड है मेजर ठीक है दो चीज़ें। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन था, अब उसमें ब्रिटिशर्स टर्की के अगेंस्ट थे ठीक है मेनली, तो ठीक है बल्कान कंट्री स्टेट्स थी, चलो एनीवेज ठीक है इतना डिटेल में नहीं, बट उनके अगेंस्ट थे समझ रहे हो, टर्की अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के, तुम आसान आसान में समझ लो। ब्रिटिशर्स जीत गए तो टर्की हार गई। टर्की का जो हेड है, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कुछ, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या था, सुल्तान, सुल्तान ऑफ टर्की को कैलिफ बोला जाता था। अब ही वॉज नॉट ओनली द सुल्तान ऑफ द कंट्री, ही वॉज ऑल्सो द कैलिफ, मच्छर
सो ही वॉज नॉट ओनली द सुल्तान ऑफ द कंट्री और द हेड ऑफ द कंट्री, ही वॉज ऑल्सो द कैलिफ ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, जो ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स फॉलो करते थे उन्हें. तो जब ये चीज़ हुई तो काफ़ी हर्ट हुए मुस्लिम्स की फीलिंग्स कि यार हमारे लीडर को आपने ये सब किया. ये सब किया मतलब उनकी पहले तो पूरा देश छीन गया, बहुत छोटी सी ज़मीन उनके पास रह गई एंड ऑब्वियसली पावर सारी लूज कर दी ना, तो फिर वो काफ़ी दिक्कत हुई. तो अब लोगों को लगा ये तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने पहले प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, खिलाफत मूवमेंट शुरू करी कि ये तो आपने गलत किया, उसको वापस दो राइट्स एंड यू नो सुल्तान को वापस राइट्स मिलने चाहिए, सब मिलने चाहिए. अब गांधी जी को लगा यार ये तो सही मौका है, अगर हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दे तो जो दो कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम्स और हिंदूज ये साथ में आ जाएगी, उनका भी भला होगा, उनका भी जो पॉइंट है उन्हें हम रखेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे. तो दिस वॉज अ स्मार्ट मूव. तो ये चीज़ हुई, ठीक है जी, ये कॉजेज थे. अब हम बात करते हैं कि भैया ये कॉजेज तो थे, चीज़ें ठीक शुरू हो गई, लेकिन एग्जैक्टली उसमें किया गया इन लोगों ने, तो दो चीज़ें थी, पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या था, स्वदेशी, बेसिकली ये याद रखो जो अच्छी चीज़ है और जो एक नेगेटिव चीज़, हाँ हाँ ये करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, हाँ हाँ ये करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, हाँ हाँ हम स्वदेशी अपनाते हैं, नहीं नहीं हमने नहीं करना, मतलब हमने ब्रिटिश गुड्स यूज़ नहीं करने, मतलब बॉयकॉट करना, ठीक है. तो स्वदेशी येस, बॉयकॉट करना है हमने, वो नेगेटिव पॉइंट है. उसके बाद हमने H&M की यूनिटी रखनी, H&M एक ब्रांड नहीं, ठीक है, उस टाइम पे तो पता नहीं था भी कि नहीं, कब फाउंड हुआ मुझे पता नहीं, कॉमेंट में बताना H&M कब फाउंड हुआ, ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, बट एनीवेज H&M मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी को हमने प्रमोट करना है और बॉयकॉट हमने उनको ब्रिटिश गुड्स का करना है, वो लिकर का भी करना है, वो हमने ब्रिटिश गुड्स का भी करना है, वो सब बेसिकली हर चीज़ थी, ठीक है जी भैया हमें ये समझ आ गए. अब भैया ये सब चल रहा था तो कब तक चला, देखो ये चला, ठीक है, एक डेढ़ साल. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ. उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, चौरी चौरा जगह का ही नाम है, मतलब उत्तर प्रदेश में क्या, तो वहाँ पे क्या हुआ, 5 फरवरी को एक मतलब भीड़ इकट्ठी हुई थी फॉर प्रोटेस्टिंग एंड ऑल, ठीक है, लिक्वर शॉप के बाहर या कुछ, उधर से पुलिस आई, पुलिस ने ऐसे बोला कि तुम गलत कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, एंड भीड़ को फ़र्क नहीं पड़ा, वो कर रहे थे अपना, तो उन्होंने गोलियाँ चला दी, ठीक है, हवा में चलाई, कुछ लोगों के पे चलाई, ठीक है, तो काफ़ी ऐसा हुआ, हड़कंप मन के पुलिस को लगा कि गोलियाँ सुन के भाग जाएंगे, लेकिन और भीड़ भड़क गई कि यार ये हमने क्या किया, हम तो पीसफुल कर रहे थे, आपने आके गोलियाँ चलाने लग गए, तो वो भीड़ भी भड़क गई, यू नो. एंड उसी गर्मो गर्मी में क्या हुआ कि दैट जो मॉब थी, वो जो भीड़ थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने पास के जो पुलिस स्टेशन थे उस पर आग लगा दी. तो बीच में 22 पुलिसमैन थे, दे डाइड ऑन द स्पॉट. तो अब ये चीज़ खबर पहुंची गांधी जी तक, वो कहते ये तो गलत हो गया, हमने तो नॉन वायलेंस करनी थी, ये सब करना था. तो ऑल दो ही वॉज राइट कि नॉन वायलेंस अगर शुरू रखी थी तो ठीक था, बट एक छोटे से इंसिडेंट के लिए पूरे देश की आज़ादी को आपने खतरे में ले आए, तो फिर ये यू नो काफ़ी लीडर्स ने उनका अगेंस्ट भी बोला या कुछ किया. तो उन्होंने क्या किया, 5 को ये चीज़ हुई, 12 को उन्होंने ये मूवमेंट सस्पेंड कर दी, ठीक है, 2-3 दिन तक खबर पहुंची, फिर एग्जैक्टली सोचा क्या करना है, फिर उन्होंने 12 को सस्पेंड कर दी. अब काफ़ी लीडर्स ने इस चीज़ को मतलब ऐसा खुशी से नहीं देखा, बट ऑल गांधी जी की रिस्पेक्ट थी तो इसलिए वो मना भी नहीं कर पाए, ठीक है, तो एक चीज़ थी. तो 12 फरवरी को सस्पेंड कर दी. मार्च में गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर 6 ईयर्स, लेकिन उनकी हेल्थ की वजह से उनको 2 साल में निकाल दिया गया, ठीक है, कुछ ऐसा सीन हुआ. सो दिस वॉज द चौरी चौरा इंसिडेंट. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ. नॉन कॉपरेशन मतलब कि हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे. नॉन कॉपरेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम मास मूवमेंट, ठीक है. अब ये तुम्हें जनरली हर चीज़ में थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है, बट अभी है तो है, ठीक है, हर बार एक्सटेंड हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं, ठीक है. सो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हुआ, मास मूवमेंट बन गई सबसे पहले तो. भैया मास मूवमेंट कैसे बन गई, मास मूवमेंट इन द सेंस आम जनता ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया. अब इतनी भीड़ सिर्फ पढ़े लिखे लोग तो हो नहीं सकते, पढ़े लिखे इन द सेंस कि उस टाइम पे एजुकेशन रिसीव करना वॉज रियली डिफिकल्ट. पहले तो भाषा ही बदल दी थी, अंग्रेज़ी कर दी थी, अब इंग्लिश भी तो सिखाओ ना. और काफ़ी लोग को डर था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है एजुकेशन में, हमें ब्रेन वॉश होगा, ये वो काफ़ी दिक्कतें थी, तो इसलिए ठीक है कम एजुकेशन थी उस टाइम पे. इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड मास मूवमेंट, कांग्रेस को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया गया. लोगों की नज़रों में आ गई कि कांग्रेस रेवोल्यूशन लेके आ रही है देश के लिए, ठीक है, बेसिकली H&M की यूनिटी आ गई, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स की. पॉपुलराइज स्वराज, स्वराज को पॉपुलराइज कर दिया गया, ठीक है. अब स्वराज है यहाँ पे, पूर्ण स्वराज नहीं अभी आया, स्वराज को पॉपुलराइज किया गया कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें आप मतलब आप यहाँ से चले जाओ, हम अपने देश खुद गवर्न कर लेंगे आपके अंडर, बेसिकली कुछ ये सब सिस्टम था. तो ये सब लड़ाई उस चीज़ की थी. अब भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, 1920 में ये हुआ, 10 साल लगा लो, ठीक है, 10 में नहीं मतलब जब ये ख़त्म हुआ उससे 9 साल, 8.5 साल, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू होता है. अब भैया सिविल डिसोबीडियंस और इसमें क्या फ़र्क है, देखो अब डेफिनेशन वाइज फैक्टर वाइज मैं बता सकता हूँ, लेकिन आम भाषा में अगर तुम्हें दिमाग में रखना है, नाम से ही पता लग जाएगा.
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, जो आप कहोगे हम करेंगे नहीं, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे कुछ ऐसा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि आपकी जो सिविल, सिविल पता है ना, एक तो होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल, तो जो क्रिमिनल है वो कानून नहीं तोड़ेंगे, सिविल कानून आपके तोड़ेंगे। डिसोबीडियंस मतलब जो आप कहोगे उसका उल्टा कर देंगे हम, जो आप कहोगे उसका उल्टा कर देंगे, जो आप कहोगे हम नहीं करेंगे, जो आप कहोगे उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, अब वो क्या क्या चीज़ें मैं आगे बताता हूँ प्रोग्राम से। 1930 में शुरू हुआ, फैक्टर्स क्या क्या थे, सबसे पहले साइमन कमीशन। अब देखो क्या हुआ ना, इंडियंस के काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ड्रेन थ्योरी जो थी वो सब चीज़ें, कि इंडिया का पैसा जा कर रहा है बेसिकली, कुछ ये सब था। तो मतलब ये मैंने बहुत आसान भाषा में लेमन टर्म्स में बताया, इतना भी सिंपल नहीं था, बट कुछ ऐसा था कि इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके बाहर से एक कमीशन आनी थी, ठीक है, जिसको लीड करना था साइमन ने, इसलिए साइमन कमीशन। और उन्होंने आके बोलना था कि मतलब जो उन इंडिया की उस टाइम पे ब्रिटिश की सरकार थी, उनको बताना था कि क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हो, क्या क्या चीज़ें बेटर कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो वो साइमन कमीशन का ये काम था। अब पांच लोग थे उसमें, आई गेस पांच के चार, एक बार कन्फर्म करना मुझे भूल गया, बट वो सभी के सब ब्रिटिशर्स, सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, तो कोई भी इंडियन नहीं था उसमें। अब इंडियन के लिए तुम खबर लेने आ रहे हो, सही करने आए हो, उसमें कोई भी इंडियन नहीं है, तुम इंडियन पर्सपेक्टिव ही नहीं पता, तुम अपने तरीके से कुछ भी बोल के चले जाओ। और उन्होंने बोला भी यही सब, उन्होंने मतलब सिंपल सी चीज़ें कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ानी चाहिए, और पुलिस वाले रखने चाहिए, और कानून बनाने चाहिए, ये वो चीज़ें, वो सब चीज़ें, और आपको और पावर लेनी चाहिए इनके अंडर, और अगेंस्ट बोल के चले गए बेसिकली, ठीक है। तो साइमन कमीशन बेसिकली ये थी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ काफ़ी। अब नेहरू रिपोर्ट, अब जो साइमन कमीशन थी इसमें एक भी इंडिया नहीं था, इस पर प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पे तब जो वायसराय था उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंडियंस ना काफ़ी छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ये पार्टी है, कोई वो पार्टी है, और ये सब ना कोई एक सेम पॉइंट्स पे आ ही नहीं सकते। अब हम इतने छोटे से कमीशन में अगर दो तीन इंडियंस ले लेते तो सब लोग आपस में आर्ग्यू करते रहते, तो कभी भी कोई आंसर, कोई जवाब, कोई पर्टिकुलर मतलब यू नो कंक्लूजन निकलता ही नहीं, ये उन्होंने एक्सक्यूज दिया बेसिकली। तो क्या हुआ नेहरू रिपोर्ट में, अब ये नेहरू रिपोर्ट मतलब नेहरू ने हेड करी थी बेसिकली, ऐसा नहीं सिर्फ नेहरू ने बनाई थी, नेहरू हेडेड इट, एंड कौन, मोतीलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने हेड करी थी उस टाइम पे, इसमें काफ़ी अलग अलग जो पार्टीज थी उस टाइम पे वो सब साथ में आई, और उन्होंने तब एक पर्टिकुलर नेहरू रिपोर्ट बनाई। वो कह रहे थे ना कि आप तो इकट्ठे होकर कुछ करीन फैसला नहीं कर पाओगे, कहीं ये रहा फैसला हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ एक थी बेसिकली। अब उन्होंने ये रिपोर्ट दी लेकिन उन्होंने कुछ फ़र्क नहीं कहा, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये तो सही में ले आए, ये तो सही में इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज कर दिया गया, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज कर दिया गया, यहाँ तक स्वराज था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज। अब कैसे किया गया, देखो जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे गए लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, जो रवि रिवर है, ठीक है, उसके तट पे, ठीक है, मतलब पूरा फ्लैग होस्टिंग हुई है, ये सब काफ़ी कुछ हुआ। और उसके बाद उन्होंने पूर्ण स्वराज का ऐसे कह दिया कि हम करेंगे, ठीक है, पूर्ण स्वराज लेना हमने, अब ऐसा नहीं डोमिनियन सेटअप, पूर्ण स्वराज लेना। और 26 जनवरी को उसका पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। अब तुम कहोगे भैया ये क्यों, मैं तो मुझे भी नहीं समझ आता था कि भैया ये 26-25 डेज का गैप क्यों, मैं बताता हूँ ये इसलिए, इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया कि हाँ जी हम पूर्ण स्वराज करेंगे 31 दिसंबर को, लेकिन पूर्ण स्वराज डे क्या होता है कि सारी जनता को, पूरे इंडिया को पता लगे एंड अच्छे से यू नो उसे सेलिब्रेट किया जाए। अब वो सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि तुमने फ़ोन पे एक लाइव कर दिया, हाँ जी देखो जी असी आ मनाने लग गए हैं, तो सारे आने इकट्ठे लाइव आना है, तो असी आ करने, ये सब नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या होता था, पूर्ण स्वराज मनाया जाता था 26 जनवरी को। टाइम लगा ना पूरे इंडिया में बात फैलाने में कि हम उसे पूर्ण स्वराज मनाएंगे, वो पूरे इंडिया में ऐसा नहीं एक एक बंदे को, बट एटलीस्ट सारे जो भी कांग्रेस के लोग हैं आसपास वहाँ पे वहाँ तक तो पहुँचाएं कि वो आगे लोगों तक बात करते रहें। सो बेसिकली इसलिए ये टाइम था, ठीक है। डांडी मार्च क्या हुआ, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने एक 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिशर्स को कि हम ये कर देंगे अगर आप नहीं करते, फिर भी हमारी ये शर्तें मान लो हम नहीं करेंगे, बट उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने फाइनली स्टार्ट कर दिया। 12 मार्च को डांडी मार्च स्टार्ट करी, चलना स्टार्ट किया। 6 अप्रैल को वो गुजरात में फाइनली डांडी में पहुंचे, ठीक है। और वहाँ पे क्यों पहुंचे, वो गुजरात में पानी है ना तुम्हें पता पास, तो वहाँ पे पानी के कोस्ट पे पहुंचे। सबसे पहली चीज़ उन्होंने किया कि डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ। अब सॉल्ट लॉ सबसे पहले प्रोग्राम था ये, सॉल्ट लॉ का डिफाइंस, और वो स्टार्ट भी वैसे ही हुआ। क्या किया गांधी जी ने, ऐसे मिट्टी उठा ली, बस ये सॉल्ट लॉ का डिफाइंस हो गया, क्योंकि ये कानून था कि तुम मतलब जो आम जनता है वहाँ से मिट्टी उठा के यूज़ नहीं कर सकती, वहाँ से मिट्टी नहीं उठा सकती, बेसिकली ब्रिटिशर से खरीदनी पड़ेगी जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ है। अब क्या बना, सॉल्ट बनती थोड़ी है, सॉल्ट में क्या होता है, हाँ मिनरल्स वगैरह ऐड कर लेते सब अलग अलग, टाटा सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट, बट सी वाटर में सॉल्ट होती है, सी वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं, जो बीच में बचता है वो सॉल्ट होता है, कुछ यही सीन होता है ना, ठीक है। बाकी
पता नहीं। तो डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ में बेसिकली ये सब सी ना, तो वो एक कानून था। अब क्यों ये चीज़ क्यों करी गई? देखो क्या है ना, जो नमक है ये हर किसी को चाहिए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, अमीर से गरीब, अमीर गरीब से गरीब, हिंदू मुस्लिम हर किसी को। तो मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ये किया सॉल्ट लॉ। और सॉल्ट लॉ देखो हर किसी को चाहिए, मतलब सबको चाहिए तो सब खरीदते हैं, सब खरीदते हैं मतलब पैसा बहुत है। तो ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा जरिया पैसे कमाने का वो तोड़ना है, ठीक है ये चीज़। बॉयकॉट ऑफ लिकर एंड ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ लिकर एंड ब्रिटिश गुड्स, ये तो कुछ समझाने की बात नहीं है, ठीक है। इसका लिकर का तो उसमें भी किया था, ठीक है। तो ये बॉयकॉट कर देना। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, हम कॉपरेट नहीं करेंगे जो आप कहोगे उसको उल्टा करेंगे, हम उल्टा कर रहे हैं पैसे चाहे हम नहीं दे रहे पैसे, ठीक है। बेसिकली मतलब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, अब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी इंडिया, अभी तक तो ऐसा था इतना पैसा लेके जा रहे हैं वो, तो इसलिए वो सब हो जाएगा। अब इसके बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनको लगा कि यार ये सब तो बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। ऑल्दो उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ राउंड टेबल के थ्रू ही इसको बंद करने की कोशिश करी, मतलब वॉयलेंटली भी काफ़ी तरीके से करी, काफ़ी लीडर्स को अरेस्ट करते रहे बीच बीच में। लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज उसके बारे में पढ़ते हैं। तीन हुए, सबसे पहला लंदन में हुआ था 1930 और 31, 30 के एंडिंग और 31 की बिगिनिंग के, ठीक है। एक दो महीने चलता है ऐसे ना, रोज इकट्ठे होते हैं, जैसे पार्लियामेंट का सेशन होता है आज के दिन, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल क्या कि ऐसे गोल, ऐसा दिखाने के लिए कि कोई भी इसमें हेड नहीं है, कोई भी सेंटर में नहीं बैठा, सब ऐसे राउंड एक दूसरे इस बात करने के लिए बैठे कुछ भी, ठीक है। तो 1930 to 31, ये 30 में शुरू हुआ, उन्होंने देखा 4-5 महीने ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो एंड में ये कर लिया। लंदन में हुआ, कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। अब कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया तो इंडिया के बारे में तो ज़्यादा बात हो ही नहीं पाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो चलता रहा, फिर उसके फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब इरविन वाइसराय उस टाइम पे, तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ 1931 में, ठीक है, ये खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने पैक्ट कर लिया, ठीक है, एक दो महीने बाद। अब इसमें इस जो पैक्ट में तीन चार चीज़ें थी, ठीक है, दो कुछ चीज़ें हमने मानी, हमने इन द सेंस कांग्रेस ने, हमने मतलब नहीं कांग्रेस ने मानी, इंडिया ने मानी, और कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स ने मानी। ब्रिटिशर्स ने माना कि ठीक है आप पीसफुल प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट है वो कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप कह रहे हो कि शराब वगैरह लिकर वगैरह उसके दुकानों के सामने, ठीक है, तो उनके सामने कर सकते हो। और साथ में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो लोग हैं, हम उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, उनको नहीं जिन्होंने वॉयलेंस किया, बट जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया हमने ऐसे अरेस्ट कर दिया था, अब वो मान गए, ठीक है, ऐसे उन्हें छोड़ रहे हैं। तीसरी चीज़, अब इंडियंस ने क्या कहा, गांधी जी क्या बोल के आए, हम सेकंड ये जो हम जो सिविल डिसोबीडियंस है इसे सस्पेंड कर देते, मतलब एक बात करने के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट सस्पेंड कर दी गई, बताओ, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस वॉज सस्पेंड, ठीक है, अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलता मैं इसके बारे में, बट ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन सेकेंड अक्टूबर, ठीक है, तो जो सेकेंड राउंड टेबल था उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ये तो था ही उनका एक बहुत बड़ा चीज़। सेकेंड में पार्टिसिपेट किया, सेकेंड कब हुआ, 1931 में ये खत्म हुआ, 1931 में ये हो गया, ठीक है, 6-8 महीने के गैप में फिर ये हो गया। माइनॉरिटीज़ इशू उठाने लग गए, ठीक है, अब गांधी जी वहाँ पे गए, वो कहते हैं चलो हम बात करते हैं, ठीक है, हम तो वो सस्पेंड करके आए, हम यहाँ पे आके डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे। डोमिनियन स्टेटस उन्होंने मना कर दिया, बातें किस पे करने लगे, माइनॉरिटी इशू पे। क्या गांधी जी कहते हैं ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया भाई, मैं तो कुछ और करने आया था, ठीक है। एनीवेज फिर थर्ड सेशन होता है, अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर कांग्रेस नहीं आती, 1932 में होता है, ठीक है, 31, 30, 31, 31 एंड 32, ठीक है, कांग्रेस नहीं आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया, इन्हें कम्युनल अवार्ड मिलता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी माइनॉरिटीज इशू उठाया और उसको काफ़ी हद तक सही करने की कोशिश करी बेसिकली, ठीक है। अब जब वो सही किया तो अब वैसे उन्हें कम्युनल अवार्ड मिल दिया, लेकिन इंडिया के लिए वो डेंजरस था, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे कि इंडियंस डिवाइडेड रहे, तो ऐसा कांग्रेस को लगा कि ये तो गलत है, ठीक है, ये अवार्ड और लोगों को ऐसा मतलब गलत फील कराएगा। तो कांग्रेस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक अलायंस हुई जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, कि वो ज़्यादा ही कम्युनल वगैरह एंगल अभी ना लेके आए, बिकॉज उसमें दिक्कत हो जाएगी ना अगर वो यही सब होता रहेगा इंडिया में, तो फिर और क्या कहते हैं उसे, जैसे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये ज़्यादा ना, बेसिकली ये सब कुछ पॉइंट्स थे। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ इंपैक्ट भी रहे होंगे फॉर श्योर, अब कौन से इंपैक्ट थे, सबसे पहले वही कि जी पैट्रियोटिज्म फैल रहा है, जो कि इसमें था वही सब रहेगा ना, कुछ ज़्यादा वो तो फर्क पड़ने वाला, तो पैट्रियोटिक एंथुसियाज्म फैलने वाला। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस लोगों को पता लगी, इसके बारे में तुम लिख सकते हो कि काफ़ी सक्सेसफुल था, लोगों को असली वैल्यू पता लगी कि ऐसा कुछ भी, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गई, हाँ जी पहले सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते थे, अब वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, वो सब कह सकते हो। मास मूवमेंट इधर बन गई, ठीक है जी, आम जनता ने पार्टिसिपेट किया, आम जनता में वुमेन भी आने लग गए, तो वो ठीक है इसमें आ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, अब उनको भी लगा कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, इनको खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें एज सच बहुत ज़्यादा हमें राइट्स नहीं मिले, डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, बट हाँ ऐसा लिखा था इन नियर फ्यूचर देखेंगे, ठीक है, बेसिकली चलो कुछ तो आश्वासन था। सो दिस वॉज के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34। अब देखो ये जो था ये डेढ़ साल चली ऑलमोस्ट, ठीक है, डेढ़
डेढ़ डेढ़ ठीक है, लेकिन लगातार चली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 4 साल चली 30 to 34 ऑलमोस्ट, पर बीच बीच में बंद होती रही, जैसे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बंद हो गई ठीक है, क्योंकि इसी में बंद किया कुछ महीने, अब उस वो वापस आकर उन्होंने फिर स्टार्ट करने की कोशिश करी, स्टार्ट कर दी, गांधी जी जेल में चले गए। जब वो जेल में चले गए तो फिर क्या हुआ कि बाहर मतलब कुछ हद तक काफ़ी लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर लीडर्स ज़्यादा बचे नहीं, बार तो धीरे धीरे खुद ही बंद हो गई ठीक है, काफ़ी ढीली पड़ गई थी आखिरी कुछ महीनों में, और 34 में पूरा ऑफिशियली बंद कर दिया गया बेसिकली। दिस वॉज इट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भी काफ़ी, वी ऑल नो हिम राइट, हमें ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे इंट्रोड्यूस करने की आपको ज़रूरत पड़े, ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ फॉर इंडिया, एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हम पढ़ लेते हैं, ऑल दो जो पर्सनल लाइफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगी, बट ठीक है, किसी की भी नहीं जो होती है अर्ली लाइफ नहीं आती। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है ठीक है, उन्होंने संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, और इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वर्कड फॉर अपलिपमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, जैसा देखा बुक में लिखा कि उस टाइम पे जो जिनके साथ काफ़ी अनजस्टिस होती थी वगैरह, तो उनके लिए काफ़ी वर्क किया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ठीक है। भारत रत्न जो पोस्ट ह्यूमसली उन्हें अवार्ड किया गया ठीक है, भारत रत्न उन्हें दिया गया उनकी डेथ के बाद पोस्ट ह्यूमसली बेसिकली। सो दिस वॉज अ चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ आया ठीक है। मैंने अपनी आवाज़ क्या कहते हैं अपनी स्पीड थोड़ी कम करने की कोशिश करी है, एज वेल एज नींद की वजह से थोड़ी कम हो भी गई है, तो दोनों चीज़ें हो गई साथ में। सो यार दिस वॉज इट, अगर तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड अगर तुम्हें चैप्टर मज़ा आया है सही लगा है तो अपने किसी दोस्त दोस्त बंदा बंदी जो भी होता बंदा बंदी निब्बा निब्बी के वट एवर उसके साथ शेयर कर देना ठीक है, उसे भी हेल्प हो, उसे भी लगे हाँ भाई हो रहा है ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम फ़ोन पर बातें करते रहो, पेपर आ जाए तुमको भैया कुछ पढ़ा नहीं, ये वीडियो देखो साथ में देखो पर वीडियो देखो। एनीवेज दैट वॉज द वीडियो ठीक है, आई होप तुम्हें पसंद आई हो, एंड अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, वट एवर इट इज कॉमेंट्स में बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, नमस्ते।